अच्छा, तो पर्सनालिटीज रे कौन कहुथिली कि जो किछि ही जेमते पर्सनालिटी को रिपीट करछि सी हैला फर्स्ट तो जदी कहबा तिलक। ओके, तिलक करो रिपीट करछि ये 2 वर्ष आसतला तिलक करो। तापरे आउ जने पर्सनालिटी राममोहन रॉय। ओके, राममोहन रॉय याकर भी 2 थर आसतला ए जने। ओके, आउ सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस याकर भी 2 वर्ष आसतला। तापरे गोपबंधु दास को 3 थर आसीचे। ओके, गोपबंधु दास ये 3 थर आसीचे। तापरे नेक्स्ट जदि कहबा आ जने हरे कृष्ण महताब। ओके, ये 2 वर्ष आसीचे हरे कृष्ण महताब। महात्मा गांधी ये तो एक्सेप्शनल केस महात्मा गांधी कर कौन पाई ना आम जहाँ भी पढ़ा महात्मा गांधी को ही पढ़ा आती प्रिपेयर नहले भी आपण मैंने आंसर लिखी पारे महात्मा गांधी को तथापि तो ये 2 वर्ष ही आसी। ओके, आउ नहले कौन सी भी पर्सनालिटी रिपीट है ना कौन सी भी ना ता माने आम गोटे प्रकार कही पार जो ओपीएससी रिपीट करूना पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन गुड़ाक को। केते जन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो मान को रिपीट करूजे नहले करूना गोटे प्रकार। ओके, तो सही थे आपण मान को स्ट्रेटेजी एया रहिबो ए जो गुड़ा एगुड़ा रिपीट जो गुड़ा होची ना। ओके, इमानकु तो निहाती प्रिपेयर करिवे कोन पे ना ओपीएससी हिसाब रे माने इम्पोर्टेंट निहाती पर्सनालिटीज। ओके, गोपबंधु दास निहाती प्रिपेयर करिवे, एससी बोस निहाती प्रिपेयर करिवे कोन पे ना गोपो सुभाष चंद्र बोस को सेपरेट प्रिपरेशन जरूरी नहीं कोन पे ना आपण इंडियन नेशनल आर्मी जते बेले पढिवे गोपबंधु ए सॉरी सुभाष चंद्र बोस को विषय रे पढिवे ही पढिवे। महात्मा गांधी को विषय रे भी सेमती सेपरेटली जरूरी नहीं कौन पाई ना आपण से जदि कहबा आमे चंपारण सत्याग्रह रु आरंभ करिके तांको विषय रे ही आमे पढ़ुचंदे पूरा कंप्लीट गांधीयन पेज जरूरी नहीं। राजा राममोहन राय करबे सेमती जरूरी नहीं ब्रह्म समाज पढ़ुचंदे आमे। ओके, माने समस्त किछि ना किछि जानिचंदे एमती भी विशेष नाय आपण अराउंड 75 वर्ड भितर आंसर लिखिबे 5 मार्क रो क्वेश्चन आछे। ओके, अच्छा तो आपण को तिलक को विषय रे टिके प्रिपेयर हवा को पड़िबो आउ गोपबंधु दास हरे कृष्ण महताब इमानको निश्चिंत भाबरे प्रिपेयर हेबे। ओके, वेरी वेरी इंपोर्टेंट भाबरे नेबे ताकू आउ याकू प्रिपेयर करिवे। तापरे रेस्ट अफ ए जो पर्सनालिटी गुडा अछोंदी। ओके, माने विशेष की जो गुडा गोटे लिस्ट जदि मु कहि दउ जस्ट क्विकली कहि दउ जी आपण से गुडा को सेव माने स्किप करि परिवे। ओके, माने जेमति हला गोखले पोटेल। ओके, तापरे कुंतला कुमारी सावत लक्ष्मण नायक ए गुडा को रिपीट सी करी ही नाही। ओके, तो जो गुडा आपनकर काम होला किछि पर्सनालिटी ए गुडा लिस्ट माने प्रीवियस ईयर जो गुडा आसी ना हते मु आपनको तार कंप्लीट लिस्ट ता दे दो जी अपलोड कर दे मु लिस्ट ता ठीक अछि आपन से गुडा भितरु ए गुडा को ताकू छाड़ी दे कि ओके जो माने रेस्ट अप रही जाउछन्ती से मानकू निश्चिंत भाबरे प्रिपेयर करिवे। ओके, एमानको बाद देकि बाकी जो गुड़ा से गुड़ा को प्रिपेयर करियो मु एबे आपन को फोटोटा उठे के दउछि। ओके, आपन को व्हाट्सएप चेक करो दो। ओके, व्हाट्सएप चेक करो तो गोटे इमेज टे जाय दिबो ए टोटल जो 20 जन पर्सनालिटी ए मान को छाडी कि आपन को जो गुड़ा इंपोर्टेंट लागियो जो गुड़ा मु या पूर्व रे जतो पर्सनालिटी डिस्कशन करथले मु से गुड़ा ऑलरेडी कहि छि। ओके, से गुडा मु ऑलरेडी कहि छि जे ई गुडा इंपोर्टेंट ई गुडा को इंपोर्टेंट नो आपन से गुडा मु कहि दे दिले होय तो बही रे आपन मार्क भी कर थई पारंती। ओके, करि छि ना नै समस्ते पर्सनालिटीज गुडा को गुडा इंपोर्टेंट को गुडा नै मु जो गुडा कहि दिले। यस सर, यस सर, कोन कहले? यस सर, करि छि तो? यस, अच्छा ठीक अछि। जदि करि छथि आपन ई जो 20 टा पर्सनालिटी को छाडी कि सेई भितर जो इंपोर्टेंट गुडा बाकी बोलिला से गुडा को भलो भाबरे प्रिपरेशन करथिबे। ओके, अच्छा ये गोला पर्सनालिटीज बेस्ट क्वेश्चन माने एथरु 4टा क्वेश्चन आपण निहाती पाइबे कोन पे ना 2टा ओडिसा रो 2टा ऑल इंडिया लेवल रो 2 पर्सनालिटी को विषय रे आपण को आंसर लेखिबार ही अछे। ओके, अच्छा ये थिला पर्सनालिटी बेस्ट क्वेश्चन आउ 2टा क्वेश्चन मु डिस्कशन करबी कहतले तापर मेन आमे डिस्कशन करिवा। ओके, टाइम जाहो सेतरे किछि नाही। हाँ, किछि काली मते फोन करके पचारुथले जे स्ट्रेटेजी कौन रहिबो मेन एग्जाम रो टॉपर मान को स्ट्रेटेजी कौन रहिबो। ओके, अच्छा मु क्वेश्चन डा को लिखि दो जे तापर हमें ए विषय रे कथा हवा। क्वेश्चन डा ला डिस्कस द जो क्वेश्चन गुडा आपन को कहू छी से गुडा को निहाती प्रिपेयर करिवे क्वेश्चन सेइ थ्रू ही आसीबो।
ओके डिस्कस द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म नेशनलिज्म बदल रे टेररिज्म हुए तो देते ही पारे ओके मु नेशनलिज्म ही लिखु छी नेशनलिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू विथ स्पेशल रेफरेंस टू इट्स रामिफिकेशन इन महाराष्ट्र बंगाल एंड पंजाब टिल द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी ओके एटा हला क्वेश्चन या ऊपर आपन को प्रिपेयर होग पड़ियो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी रे जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म सब बाहरिला ता ऊपर आपन को लिखबा को पड़ियो हां आउ विथ स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र बंगाल और पंजाब बोल पाए ना हमें ए एरिया रे ही इनिशियल फेज रे हमें देखिले लेटर फेज रे भी हमें ए एरिया उडा रे ही देखि जते ओके महाराष्ट्र बंगाल और पंजाब रे ए क्वेश्चन टा को लिखबा को पड़ियो हां आपन को स्ट्रेटजी कथा कहउतली मते खाली पचारु दिले खाली किछ न एटलीस्ट मते दी जण खाली पचारले जे स्ट्रेटजी कोन रहइबो ओके ता छोडा ये भी रिसेंट योर जो ओएस टॉपर कर ताकर स्ट्रेटजी कथा भी कहउतले ओके आपन को गोटे खाली जस्ट लेसन टा कहउची आपन को भितरे भी सेया थिबो जे एबे कोन स्ट्रेटजी हेबा दरकार ओके आपन को गोटे जिंस कहउची स्ट्रेटजी बोली सेमती किछि ही नाही दुनिया रे ओके आपन जो हिसाब रे पढुचंती जदी आपन ताकु नै कि सक्सेस हे गेले दैट विल बी स्ट्रेटजी सेटा स्ट्रेटजी हेजबो जो हिसाब रे पढुचंती जदी सेतरे फेल्ड हे गेले ताहले सेटा स्ट्रेटजी कोहा जीवो नाही ओके सेटा फेल्ड हेजबो आपन इमेजिन करंदु सिविल सर्विस एग्जाम एटा फर्स्ट टाइम पे हे नाही किबा ए वर्ष फर्स्ट टाइम पे हे नाही बहुत वर्ष रु ब्रिटिश पीरियड रु हे के आसछि आ ब्रिटिश पीरियड रु हि टॉपर माने आसछबे आ काहारी स्ट्रेटजी काहारी को हेल्प करे नाही एटा बर रखि दिबा काहारी सहित काहारी स्ट्रेटजी सहित काहारी स्ट्रेटजी मैचिंग करे नाही कोन पई ना आबो मानकर समस्त अगर पोटेंशियल टा अलगा ओके आमर थिंकिंग प्रोसीजर आमर नेचर कैपेबिलिटी सब गुडा हि डिफरेंट अछि ओके तो सेमती कौन सी स्ट्रेटेजी पछरे पढ़वार जरूरी नहीं आपन को निज भितरे ही डिवाइस करन तो आपन को पोटेंशियल हिसाब रे आपन को कैपेसिटी हिसाब रे आपन को टाइम हिसाब रे आ सेटा ही जदी आपन सक्सेस हे गेले सेटा ही स्ट्रेटेजी हि जीव अलग लोक को पाए किंतु केजन फॉलो करन ते केजन सक्सेस हे दैट विल डिफरेंट थिंग किंतु सेही समय पाए सेटा माने स्ट्रेटेजी हे जीव ओके स्ट्रेटेजी पछरे पढ़वार नहीं निज हिसाब रे सेटा निजे तैयारी करन तो समस्त वेल एजुकेटेड अछंती ओके क्लास रे यूट्यूब रे वीडियो देखि कि भी बहुत जण मते पचारुतले ओके तो सही हिसाब रे मु आपन मन को कहली निज हिसाब रे सेटा डिवाइस करंतु अच्छा तो ए क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो ठीक अछि ए क्वेश्चन टा अराउंड ओके ए क्वेश्चन एटा 10 मार्क रो क्वेश्चन 10 मार्क रो क्वेश्चन मींस अराउंड 150 वर्ड भितरे आपन को लिखबा को पडियो 100 रो 200 वर्ड भितरे ओके मो एवरेज रे 150 कहली आपन को लिखबा को पडियो तो लिखिबे कोन ओके ए क्वेश्चन टा जते बळे लिखिबे आपन को फर्स्ट पॉइंट मस्ट बी एया हबो द रीजंस लिखिबे ओके को रीजंस जगु रिवोल्यूशनरी टेररिज्म 20th सेंचुरी रे हेला फर्स्ट लिखिबे एटा रीजंस लिखिबे माने इंट्रो पार्ट रे आपन लिखिबे ओके इंट्रो पार्ट रे कोन लिखिबे रीजंस लिखिबे को रीजन जको हेतला आमे ऑलरेडी सगुडा को डिस्कशन कर जेबे जे को सेही समय रे जो आवर मेथोडोलॉजी गुडा थिला बा जो जो प्रेयर पिटीशन ओके ई जो मेथोडोलॉजी गुडा थिला ई गुडा सब काम देई नथिला आ एहा बाद भी माने को जदि बा हमर नेशनलिस्ट माने गवर्नमेंट सपोर्ट रे थिले तथापि ता बाद भी बंगाल पार्टीशन हेतला एटा होची फर्स्ट रीजन ओके फर्स्ट रीजन आपन को लिखबा को पडियो बंगाल पार्टीशन अच्छा सेकंड कोन हैला सेकंड जदि कहबा
गवर्नमेंट बिकम मोर रिप्रेसिव दैन बिफोर आपन जे देखिबा बेंगल पार्टीशन परे गवर्नमेंट रो जो रिप्रेशन हुडा सेटा बहुत हाई लेवल को चल जायतला ओके या पूर्वरु सेमति हो नथला माने जेमति कि आपन को लाठी चार्ज करिबा फायरिंग करिबा एगुडा सब जबर होइ नथला एगुडा होचे सेकंड रीजन ओके माने जदि कहबा गवर्नमेंट रिप्रेशन एगुडा हला रीजन तापरे तिलक आसिले ओके तिलक आसिले सीए जदि कहबा यूथ मन को भितर गुडा नुवा एनर्जी भर देतले ओके तांकर जो मेथोडोलॉजी सीए कहिले जो पैसिव रेजिस्टेंस कोंतु किंबा माने गोटे एक्सट्रीमिस्ट व्यू जोटा देले एटा भी गोटे रीजन थिला जोति पई कि एक्सट्रीमिज्म सब आसिला ओके तिलकर कंट्रीब्यूशन लिखिबे इन शॉर्ट जस्ट वन लाइन और टू लाइन तापर नेक्स्ट इन लाइन आसिले जदि कहबा 1897 रे चेपकर ब्रदर्स ओके चेपकर ब्रदर्स जे कि हमर जो प्लेग कमिश्नर थिले ताकु से बारे कोन करथिले हत्या करथिले बा असासिनेट करथिले ये तापरे नेक्स्ट इन लाइन चेपकर ब्रदर्स तिलक लिखिबे रीजन तो सरीगला ओके रीजन सरीगला तापरे डेवलपमेंट ता टिके लिखिबे डेवलपमेंट रे तिलक कर कंट्रीब्यूशन चेपकर ब्रदर्स को कथा लिखिबे तापरे लिखिबे अरविंद घोष ओके अरविंद घोष को कथा भी लिखिबे ओके ये गोला अपन को रीजन ऑफ डेवलपमेंट तापरे सीधा फोकस करिबे विथ स्पेशल रेफरेंस टू लिखि जना से महाराष्ट्र बंगाल और पंजाब महाराष्ट्र रे कोन कोन हैला पर्टिकुलरली बॉम्बे और पुणे ओके महाराष्ट्र मन बॉम्बे और पुणे एगुडा रे जदि कहबा बम फैक्ट्री सब तैयार हे जतला से सब रे बम मैन्युफैक्चरिंग करथले से माने ओके तापरे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन थिले तांकर हत्या कोंदु ओके जो कर्जन विलिंग कर हत्या जो एमएल ढिंगरा तापरे सबरकर कर कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र रे ए माने इनिशियल फेज रे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म थिले ओके बन नेशनलिस्ट थिले आपन को एति की लिखिबार अछि ओके ढिंगरा भीडी सबरकर तापरे पंजाब रे जदि देखिबे आपन लाजपत राय अजीत सिंह ओके लाजपत राय अजीत सिंह याको कथा लिखिबे आ बंगाल रे सही समय रे जो दीटा थिला गोटे हला अनुशीलन समिति आ गोटे हला जुगांतर ओके अनुशीलन समिति जुगांतर ए कथाटा को लेखिबे आपनकर 10 मार्क्स रे 150 वर्ड भितरे ओके एतकी हला आपनकर ए क्वेश्चन टा आपन ए पॉइंट हिसाब रे लेखे फर्स्ट रीजन इनिशियल डेवलपमेंट मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ तिलक चेपकर ब्रदर्स और अरविंद घोष ओके तापरे नेक्स्ट इन लाइन रे आपन चली आसबे महाराष्ट्र रे कोन हेतिला कोन डेवलपमेंट हेतिला पंजाब रे कोन डेवलपमेंट हेतिला आ बंगाल रे कोन डेवलपमेंट हेतिला एमिति भाव रे ताकु आंसर ताकु आपन को लेखिबार अछि ओके ये हला फर्स्ट क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन मु नै दिली ओके नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन लेखंतु क्वेश्चन टा को भी व्हाट आर द मोटिव्स व्हाट आर द मोटिव्स व्हिच लेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल काली हमें स्वदेशी मूवमेंट कथा लिखी दिले ओके आज पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखियो पार्टीशन ऑफ बंगाल What are the motives which led to the partition of Bengal? Second, what are its consequences? What were its consequences? Why it was annulled? Okay. एमते क्वेश्चन रहते मारे गोटे प्रकार मोटा मोटी भाबरे पार्टीशन ऑफ बंगाल जदि ए क्वेश्चन को एमते भी पचरा जाय पारे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल एमते भी पचरा जाय पारे ओके ये भी सेमते 10 मार्क रो सेत के भीतर लिखिबे आपन को लिखिबार कोन अछि ओके कोन लिखिबे आपन ए क्वेश्चन टा पई तीनटा पैराग्राफ करिवे ओके तीनटा पैराग्राफ बा तीनटा फेज करिवे ओके आ एदिरे जस्ट ठीक है अड्डा को हटे दवा ओके तीनटा करिवे कोन कोन करिवे से इतरे फर्स्ट फेज
रीजन रीजन्स व्हाट आर द मोटिव्स लेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल्स ना मोटिव्स लिखिबे रीजन्स बा मोटिव्स लिखिबे ओके गवर्नमेंट रो मोटिव कोन थिला लिखिबे सेकंड पैराग्राफ रे लिखिबे तार कॉन्सिक्वेंसेस हेडिंग हेडिंग कर देबे बहुत भलो नेक्स्ट रे लिखिबे कंक्लूजन रे व्हाई अनयूल्ड लिखि देबे ओके व्हाई अनयूल्ड एतकी अच्छा आपण एई क्वेश्चन टाकू आइदर बुलेट फॉर्मेट रे भी लिखि परबे हो जदी बा बुलेट फॉर्मेट रे लिखु जोंदी ताहले भी आपण कोन करिवे हेडिंग्स गुडा देतिबे ओके हेडिंग्स निहाती देबे आउ जदी पैराग्राफ फॉर्मेट रे भी लिखु जोंदी हेडिंग्स देले भलो कोनसे प्रॉब्लम नै आपण जो फॉर्मेट रे भी लिखि परबे किंतु जदी पैराग्राफ फॉर्मेट रे लिखु जोंदी मेन पॉइंट गुडा को अंडरलाइन कर देबे ओके जदी बुलेट फॉर्मेट रे लिखु जोंदी बुलेट फॉर्मेट रे तो जरूरी हुए नै किंतु जदी पैराग्राफ फॉर्मेट रे लिखु जोंदी ताले अंडरलाइन निहाती करबे ओके अच्छा फर्स्ट वाला मोटिव रे कोन लिखिबे ओके मोटिव फर्स्ट रे सेईटा लिखिबे जोटा ऑफिशियली से माने कहिथिले ओके ऑफिशियली कोन कहिले जदि कहिबा माने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओके बा जदि कहिबा एया मेन रीजन थिला से माने जोटा कहिथिले जे ईस्टर्न बंगाल जोटा पर्टिकुलरली जदि कहिबा वर्तमान बांग्लादेश आ असम ओके सेई एरियाटा अंडर डेवलप्ड अछि आउ जोटा वेस्टर्न बंगाल कहले से समय रे ए माने प्रेजेंट डे रो ओडिसा वेस्ट बंगाल झारखंड बिहार ओके एटा होची कोन एटा होची वेस्टर्न बंगाल ए साइड ता होची मोर डेवलप्ड ओके मोर डेवलप्ड देन ईस्टर्न बंगाल तो सेइ दिमै से जो जो लेस डेवलप्ड एरिया गुडा को डेवलप करिया पई ए माने कोन करथिले बंगाल को पार्टीशन करथिले एई कथाटा ऑफिशियली से माने कहिथिले ओके किंतु जदी हमें कहबा एटा ऑफिशियल स्टैंड को लिखिबे फर्स्ट रे तापर लिखिबे रियल मोटिव ओके रियल मोटिव लिखिबे जे रियल मोटिव एया थिला जो नेशनलिज्म से समय रे आसुतला बंगाल जदी कहबा तार ग्रोथ सेंटर थिला ताकु से माने जदी कहबा गोटे प्रकार कर्व करिया पई कोन करथिले पार्टीशन करथिले एई कथाटा आपन को लिखिबार अछि ओके दीज आर द मोटिव ऑफ पार्टीशंस मोटिव गला तार कंसीक्वेंसेस जदि कहबा कम्युनल टेंशन टेंशन बढ़िला इंक्रीज इन कम्युनल टेंशन ये तो हला गोटे प्रकार माइनस साइड ओके जदि कहबा ये होची नेगेटिव साइड ता जोटा कम्युनल टेंशन बढ़िला हां तार पॉजिटिव साइड भी बहुत थिला कोन पाइना सेई समय रे जदि कहबा याकू माने जदि माने यार रिएक्शन रे सेई समय रे पूरा मीटिंग हला प्रोटेस्ट हला डेमोंस्ट्रेशन हला ओके हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स जेमती कि सुरेंद्रनाथ कौन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ओके एस एन बनर्जी स्पीच शुणा तापर से जो टाउन हॉल रे प्लानिंग करिबा इत्यादि बहुत डिफरेंट हैला तापर जेमती जो दिन पार्टीशन डे दिन समस्ते हिंदू मुस्लिम समस्ते को गंगारे गाधेइथिले राखी बांधिथिले एई गुडा सब सेई समय रे हेतला ओके ता छोड़ा जदि कहबा गवर्नमेंट को पार्टीशन अनुल करबा को बहुत पिटीशन सब सेंड करायतला तो दीज आर कॉन्सिक्वेंसेस ओके अच्छा नेक्स्ट हैला तापरे जदि कहबा अनुल कोन पई हैला रीजन ओके कोन पई हैला जे जो या पूर्वरु जदि कहबा हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल पूर्वरु जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड रे एजिटेशन होतले एटा रिप्लेस हो गला ता बदले जदि कहबा आपन कर जो स्वराज जिला स्वदेशी बॉयकॉट नेशनल एजुकेशन ई गुडा सब सेई समय रे आसीला ओके आ ए जो रीजन गुडा जको ब्रिटिश गवर्नमेंट को फीलिंग्स हला जे एटा को बेसी दिन रखिबा रे ठीक होबो नै नहले प्रॉब्लम होबो सेइति में से माने कोन गले पार्टीशन को अनुल कर देले ये भी गोटे रीजन आ गोटे रीजन भी हला जेमति कि माने जो हमर सुरत स्प्लिट रे जो एक्सट्रीमिस्ट आ मॉडरेट मान कर भीतर डिवीजन हला तो एक्सट्रीमिस्ट मान को से माने रिप्रेशन गले बा सुप्रेशन गले आ जो मॉडरेट माने थिले ताकु पासिफाई करिया पई भी से माने अनुल करथले ये भी गोटे गोटे रीजन आपन को एतिके सब लिखिबा को पडियो एतिके पैराग्राफ रे ओके समस्त क्लियर सर रीजन फॉर अनुलमेंट से आउथरे कहबे अच्छा रीजन फॉर अनुलमेंट या हला अनुलमेंट हला जे जो माने कोन ब्रिटिश माने जेबेटु आसीले सेबेटु ओपोजिशन होउछे ओके ओपोजिशन होउछे किंतु फॉर्मल जो ओपोजिशन डाला सेइटा हला अमर जो मॉडरेट माने जोगुडा करथिले से माने कोन करथिले कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करथिले कॉन्स्टिट्यूशनल वे रे से माने रिफॉर्म करिया को चाहुथिले ओके किंतु
ଏଇ ସମୟରେ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ କଣ ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଓକେ, ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏଜିଟେସନ ୱାଜ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ୍ସ ଅଫ ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱଦେଶୀ, ବୟକଟ ଏଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ। ଓକେ, ଆପଣ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବୟକଟ କରିଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢିବେ ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯଦି ଗୋଟେ ବୟକଟ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଲିଂ କରିବାର ମାନେ କଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଗୁଁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ହାଡ୍ ନୋ ଅପସନ ବଟ୍ ଟୁ ଆନାଉନ୍ସ ଦ ଆନ୍ୟୁଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରିଜନ। ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ ହେଲା ଟୁ ପାସିଫାଏ ଦ ମଡରେଟ। ଓକେ, କଣ ପାଇଁ ନା ମଡରେଟ ମାନଙ୍କୁ ପାସିଫାଏ ନକଲେ ସେମାନେ କଣ, ମଡରେଟ ମାନେ ଜଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏଜିଟେସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବିଥିବେ ଯେ ତିଲକର ରିଟର୍ନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆଉ ନିବେଶନାଥ ଆଉ ତିଲକ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ ମଡରେଟ ଲିଡର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏଜିଟେସନରେ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡକୁ ନଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାସିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆନୁଆଲ କରାହେଇଥିଲା ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର ପୂଜା? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଲେଖିବେ ନିହାତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଓକେ, ଏଇ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ହବ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ ରେ ପଢୁଥିଲେ ମିନକୁ ଆସିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ରାସିଓ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? ରାସିଓ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ମତେ କହିଲେ, ରାସିଓ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାସିଓ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ବି ତ ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ପଢିଥିବେ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା? ପଢିବା ତାକୁ, ଡିସ୍କସନ କରିବା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କିପ କରିଯିବି। ରାସିଓ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି PYQ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେସିଓ ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଆଉ ବାକି ସାର୍ ନିଜେ ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। କରିବେ, ଓକେ, ଠିକ ଖାଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ PYQ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାକୁ ସ୍କିପ କରିଯିବି ବୋଲି। କଣ ପାଇଁ ନା ରାସିଓଟା ସାର୍ ନହେଲେ ଆଗେ ସାର୍ ଆପଣ ସେ ମିନ ସେଇଟା ଆମର ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମିନ ସେଇଟା ଯେ ମୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନ ଆଗେ ଟାକୁ କରିବି। ଡିସ୍କସ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ୱିକ୍ଟା ସାର ଆମେ ଗୋଟେ 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 ପୋର୍ସନ୍ ରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଏମିତି ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସାରିଦେବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ଜିନିଷକୁ ସ୍କିପ କରିଯିବି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କରିବା, ତାକୁ ସ୍କିପ କରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନୁହଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ୱିକ୍ଟା ସାରା କରିବା। ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହିଦେବି, ଆପଣ ଲେଖୁଥିବେ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ମେନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସେଇଟା ବେଟର ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମେନ୍ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆମର ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି। ଓକେ, ଏମିତି ବି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ତ କାଲି ଆମେ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଡେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଡେଭିଏସନ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସରିଯିବ ଆମର ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଜି ଦେଖିବା ମିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ମିନ୍ ମାନେ କଣ? ମିନ୍ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାନେ ଆସିଲା ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରୁ ମାନେ ଡିଡି କଲେଜର କଥା କହୁଛି। ଓକେ, ଡିଡି କଲେଜ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ନାଁ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜର ମାନେ ଥିଲା ପୋଜିସନ, ଯୋଉମାନେ ବିଜେପି ରେଭେନ୍ସାରେ ହଉନଥିଲା, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଡିଡି କଲେଜକୁ ଆସୁଥିଲେ ପଢିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଡିଡି କଲେଜରେ ସିଟ୍ ବି ପାଇବା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା, ବହୁତ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ନୂଆଖି ଯାଇଥାଉ, ଓକେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଆମେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତୁ ହାରାହାରି, ଆଭରେଜ ଆମେ ହାରାହାରି କହୁ। ଓକେ, ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ଗୁଡା ଜାଣିନଥାଉ। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଟୁରେ, ଠିକ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି, ମିନ୍ଟା ଯେ ଆଭରେଜ, ଓକେ, ମିନ୍ ଇଜ୍ ଆଭରେଜ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ତ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିନାହିଁ। ଓକେ, ଆଉ କେତେଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଓକେ, ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ଫିଜିକ୍ସ ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଏ ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଦର୍ସ ରେ, ଆପଣ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଆପଣ ନେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କ୍ୟାଲିପର୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରୁ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାର ସବୁ କଲାବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ କ'ଣ ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ମେନ୍ଟା ବାହାର କରନ୍ତି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ହାରାହାରି ମାନେ ଆଭରେଜ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମେନ୍ ମେନ୍,
ମୁଁ ମିନ୍ ମାନେ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ମାରିକି ମିନ୍ ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମିନ୍ ସେଟା ଦେଖିଦେବେ। ଓକେ, ସେଇ ଅପସନଟା ବି ନଥିଲା। ଏଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ, ଓକେ ସାର୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମିନ୍। ସମସ୍ତେ ହସିକି ଉଡେଇଦେଲେ, ମଜାକ କରିକି ଉଡେଇଦେଲେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ, ହେଲା, କହିଦେବାର ଥିଲା, ମଜାକ ହେଲା, କିଛି କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କହିଦେବାର ଥିଲା। ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଗଲା ଯେ ମିନ୍ ଇଜ୍ ଆଭରେଜ। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମିନ୍ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଆଭରେଜ। ଓକେ, ମିନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ ରେ ଯଦି ବୁଝିବେ ସେଟା ଆଭରେଜ। ଆଉ ମିନ୍ଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଓକେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ଆମର AM ଅଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍, ଆରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି GM ବା ଜେମେଟ୍ରିକ୍ ମିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି HM। ଓକେ, ହାରମୋନିକ୍ ମିନ୍। ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର, ବିଶେଷ କି ଆମର ଏକ୍ସାମର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବା, କିମ୍ବା ପରେ ବି UPSC ର ବି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଥିଲା, ପ୍ରାଇମେରିଲି AM ଟା ହିଁ ଆସେ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍ ଟା ହିଁ ଆମର ଆସେ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଟା ହିଁ ଜରୁରୀ, ଆମେ ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍ କୁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଆରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍ ମାନେ ଆଭରେଜ, ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକ୍ସ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିନ୍, ସରି, ଏମ୍, ଏକ୍ସ ଏମ୍ ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ, ଏକ୍ସ ଏମ୍ ବା ମିନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲେ କଣ ହବ, ଆମର ସମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଏନ୍। ଓକେ, କଣ ଏଇଟା ମାନେ, ତା ମାନେ ଗୋଟେ, ଯଦି ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ବୁଝାଉଛି, ଯଦି ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ, ଓକେ, ଗୋଟେ ବା ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ସେଠି 5ଟା ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ଓକେ, 5 ଜଣ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଅଛି 4 ବର୍ଷ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ସେମିତି 6 ବର୍ଷ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କର 4 ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର 5 ଅଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହାଙ୍କର ହାରାହାରି ଏଜ୍ କେତେ ବା ମିନ୍ ଏଜ୍ କେତେ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଆମେ, ଏଗୁଡାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆଭରେଜ୍ ରେ କଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ ଅଫ୍ ସବୁ ଗୁଡା କାଲକୁଲେଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମିନ୍ସ 4 + 5 + 6 + 4 + 5 କରିଦେଲେ, ଓକେ, 4 + 5 କରିଦେଲେ, ତାପରେ କଣ କଲେ, ଏନ୍ ମିନ୍ସ କେତେଟା ଅଛି। ଓକେ, ସବୁ ଗୁଡାର କାଲକୁଲେସନ, ତାପରେ କେତେଟା ଅଛି, କେତେଟା ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5ଟା, 5ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ, ଏଠି କେତେ ହଉଛି, 24 ହଉଛି ନା, 5, 4, 9, 6, 15, 4, 19, 19, 5, 24। ଓକେ, 24, ଇଏ ହଉଛି 5 ବା 24/5, ଆପଣ ଯେତିକି ହଉଛି ସେତିକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ କରନ୍ତି ନର୍ମାଲ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, କଣ ପାଇଁ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମର ତ ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କେତେ ର ଆବଶ୍ୟକତା, କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାଟାଟା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି। ଓକେ, ଯଦି କମ୍ ଡାଟା ଅଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ନା କମ୍ ଡାଟା ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଡାଟା ହେଇଯାଏ, ଓକେ, ସେଇ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜରୁରୀ ହେଇଯାଏ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାର ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର। ଓକେ, ସେଗୁଡା କଣ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଆମର ଏକ୍ସାମରେ ଆସୁଛି, ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, 2ଟା ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ସେଟା କେମିତି ଭାବରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2ଟା ଫର୍ମୁଲା ବି ଦେଖିବା। ଓକେ, 2ଟା ଫର୍ମୁଲା ବି ଦେଖିବା ବା 2ଟା ମେଥଡ୍ ବି ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି କରିହେବ ଆଉ ଇଜିରେ କରିହେବ ତାକୁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି କହିବା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ବହିରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମିନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମ୍ ଅଫ୍, ଏଇଟା ସମ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ଟା, ଓକେ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଏଫେକ୍ଟ ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ କଣ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଗୁଡା ସବୁ କଣ କଣ, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟାକୁ ସମ୍ ଅଫ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଟା ବି ସମ୍ ଅଫ୍, ସେମ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଏଫ୍ କଣ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ନଉଛି ସେଇଥିରୁ ଆମର ସବୁ ଗୁଡା ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ନଉଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଯେ ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲାଟା ତାକୁ ମୁଁ ଇରେଜ କରିଦଉଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯେମିତି ସେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପଟା ହିଁ ନଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ର ଆମେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ ନଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି।
जो क्लास टेबुल टा हमें नहीं थिले जति कि अछन्थि सेही टेबुल टा को ही लिखिबा एज ऑफ स्टूडेंट ओके एज ऑफ स्टूडेंट तापर हैला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके तापर सम ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ओके टेबुल टा मन रखो तो अच्छा मु कोन कहि दिली मन कर 4 वर्षर छुआ अछंती 5 वर्षर छुआ अछंती 6 वर्षर छुआ अछंती 7 वर्षर छुआ अछंती 8 वर्षर छुआ अछंती ओके एतकि पर्यंत छुआ अछंती बा जदि कहबा एज ऑफ स्टूडेंट एटा कोन दा एगुडा वेरिएबल्स ओके वेरिएबल्स एगुडा वेरिएबल गुडा ना अच्छा 4 वर्षर केतटा स्टूडेंट अछंती मन कर 5 जण अछंती 5 वर्षर के जण अछंती 3 जण अछंती 6 वर्षर मन कर 7 जण अछंती ओके 7 वर्षर अछंती 3 जण 8 वर्षर अछंती 2 जण एगुडा कोन गुडा एगुडा फ्रीक्वेंसी गुडा फ्रीक्वेंसी नो गया हमें जो लास्ट टेबल रे करितले माने 4 वर्षर जेटा अछंती सेटा होजी तार फ्रीक्वेंसी 5 वर्षर जे जण अछंती सेटा होजी तार फ्रीक्वेंसी ओके किंतु एतकी हमें ग्राफ करिया पई करूतले एबे कोन करबा किंतु एवरेज बाहर कोले कोन होबो जदि हमें एगुडा को कैलकुलेशन कर देबा बाहरी बोली किंबा एतकी कैलकुलेशन करले भी बाहरी बोली तो आमको कौन करिया को पड़िबो ए गुडा को यार गोटे तार सम डा बाहर करिया को पड़िबो ओके माने 4 वर्ष रो पांचटा छुआ अछंती तांकर एज केते हबो 20 इयर्स हबो नो कि 4 वर्ष रो पांचटा छुआ अछंती तांकर एज 20 इयर्स हबो माने 5 5 5 5 ताले के देबो 20 हबो एग्जैक्टली सेम दे 5 वर्ष रो तीनटा छुआ अछंती तांकर एज केते हबो 15 हबो ओके तो एटा होची एटा को जदि आप एक्स नै जबा या को एफ नबा ताहले एटा कोन हबो एटा को एमदी भाबरे लिखा जाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स लिखा जाय ओके इक्वल टू कोन एक्स इनटू एफ ओके तार फार्मूला हला एया अच्छा 6 वर्षर केत जण अछंती 7 जण अछंती ताहले केते हबो 42 सेमदी 7 वर्षर 3 जण अछंती ताहले तांगर एज केते हबो 21 ओके 8 वर्ष और 2 जण छथि ताले हेबो 16 एबे कोन काम होला एबे हमकु को एगुडा त हमर एफ बाहरिला ओके एफ एक्स बाहरिला एबे कोन करबा को पडिबा हमकु ओके कोन करिवार अछि सम ऑफ एफ करिवार अछि सम ऑफ एफ केते हेबो हिसाब कर कि कोन तो फटाफट दिबो ते ये शीघ्र कर पर तो 5 + 3 + 7 + 3 + 2 17 5 3 8 7 15 15 दिन 18 हैला तो गूगल कर लिखी अच्छा 5 3 8 7 15 3 17 2 19 17 2 19 20 कितने हो जी 20 सर ओके 15 दिन 18 20 हो जी सॉरी 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 18 हो जी ये हैला 20 ओके अच्छा ताले एफएक्स सम ऑफ एफएक्स बाहर करन तो केते हबो सम ऑफ एफएक्स केते हबो केते 114 ठीक हो जी तो 114 मु हिसाब करू नहीं ओके एते गुडा के कैलकुलेशन करियो आपण माने करन तो सेटा को अच्छा अब और बाहरी वाला एबे डाटा एबे हमर कोन करिवार छी मीन बाहर करिवार छी ठीक अछि मु ए साइड टा को इरेज कर दउ छी आपण माने निजे कैलकुलेशन करंतु फार्मूला पके के फार्मूला लिखा आइदिला ओके हमर फार्मूला टा कोन मीन ऑफ एक्स इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स बाय सम ऑफ एफ ओके ताले हमर सम ऑफ एफ एक्स केते 114 बाय सम ऑफ एफ हला 20 ओके कैलकुलेशन करंतु केते बाहर छि कोंतु 5.7 ओके ताहले अमर ए जो टेबल टा बा ए जो स्टैट माने जो अमर टेबल टा बा डाटा टा हमें पाइले यार मीन होची 5.7 ओके बा मीन एज होची 5.7 ठीक अछि समस्त क्लियर एमपिति भाबरे अपन ताकू बाहर करी पारिबे ओके अच्छा ये गोटे प्रकार
अच्छा आपन को मु ओके नहीं हमें एठी वेस्टर्ज करिवानी टाइम अच्छा मन करो आमको गोटे कौन देजी एमती भाव गोटे टेबुल एटा तो जस्ट आम सिंपल डाटा गुडा थिला सेमती कैलकुलेशन कर देले अच्छा जदि टेबुल टा एमती भाव अच्छे आउ गोटे टेबुल ड्र करंतु ओके आउ गोटे टेबुल मन करो देजी वेट नहीं हाँ वेट ओके वेट लिखिबा ठीक वेट अच्छा आपन को पाखरे मन कर पिग हो कि छेड़ी हो आमर तो पिग के रखो दिने ताको एडा रखो दे आमर सब छेड़ी रखो दे बा गॉट ओके वेट ऑफ गॉट अच्छा गॉट गुडा तो एत्ते ग्रुप भी होबो नाही एडी तो बहुत अंडर देछि केजी रे अच्छा वेट ऑफ कोन करबा ताको आमे लिखि दवा आ व्हाटएवर मे बी वेट ऑफ कोन लिखिबा एनीथिंग वेट ऑफ एक्स ओके एक्स टाकु आपन पॉपुलेशन नै पारते जहा भी नै पारते अमर ई एथिरे कोन हे जे 10 रु 20 ग्रुप भितरे अछंती तापर 20 रु 30 ग्रुप भितरे अछंती 30 रु 40 ग्रुप भितरे अछंती 40 रु 50 ओके 50 रु 60 हो कोन कहउ छंती कि 70 70 रु 80 80 रु 90 ओके और 90 रु 100 ओके एमिति एज ग्रुप रे अछंती ओके आउ कोन अछंती से जे भी होत तो अच्छा लिखि देबा ताको वेट तो हला एते की नंबर ये तो एक्स नंबर टा को हम कोन लिखबे फ्रीक्वेंसी एफ ओके अच्छा ए ग्रुप रे फ्रीक्वेंसी ए भितरे केते जन 10 रु 20 भितरे जणे अछि इतरे 7 जण अछंती 30 रु 40 भितरे अछंती 8 जण एतरे अछंती 11 ये 19 ये 10 ये 7 ये 5 4 3 केतरा होची ठीक होउ छरा ये ता सहित ये ओके उल्टा पलटा हे गेला ठीक अच्छे ना कितना अच्छे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा आउ गोटा कर दवा 100 रु 110 एमिति गोटे डाटा हमको देछि ओके 10 रु 20 केजी भितरे जणे अछंती 20 रु 30 भितरे 7 जण अछंती 30 रु 40 भितरे 8 40 रु 50 भितरे 11 50 रु 60 भितरे 19 60 रु 70 भितरे 7 70 रु 80 भितरे 5 80 रु 90 4 90 रु 103 केमती गेला हमर दा गोटे एक्स्ट्रा हे गेला नो सर ठीक अछि एबे कोटा पहले मिल ठीक कर आपण सर 10 टा छाड़ देले 19 परे 7 कहिले ओ 19 परे 7 कहिले 10 टा छाड़ देले ओके ठीक अछि माने ठीक अछि गोटे प्रकार देखा जाउ अच्छा एई केस रे हमें कोन बाहर करबा ओके सत्तेबेले से ना अमर गोटे थिला हमें सेती गोटे गोटे नंबर 10 देथिला 10 चेक करी के गोणी के बाहर कर देले एमिति केस गुडा रे कोन करबा ओके एई केस गुडा रे अमर कोन हुए सेई कथाडा हमें देखिबा एई केस गुडा रे कोन हुए आपन को कोन बाहर करिवार अछि गोटे मिड पॉइंट ऑफ द क्लास बाहर करिवार अछि ओके मिड पॉइंट ऑफ द क्लास ओके ए जो क्लास टा यार मिड पॉइंट आपन को बाहर करिवार अछि ओके मिड पॉइंट 10 रो 10 आ 20 रो मिड पॉइंट केते हेबो 15 हेबो सेमते 20 रो 30 रो मिड पॉइंट केते हेबो 25 हेबो कोन कहले ओके अच्छा तापरे 30 रो 40 रो मिड पॉइंट केते हेबो 35 सेमते 40 रो 50 ये हला 45 तापरे 50 रो 60 ये होची 55 तापरे ठीक है गारो मार देथवा तापरे 65 हबो ये हबो 75 ये हबो 85 ये टा केते हबो ये हबो 105 एगुडा सब मिड पॉइंट गुडा
ओके एबे आपन को कोन करिवार अछि हमर तो फ्रीक्वेंसी तो ये ऑलरेडी दे छि नंबर ऑफ एफ याकू तो आपन इजीली ईएफ बाहर करि परबे ओके किंतु ए जो मिड पॉइंट टाकू नै कि हमर जो वेट गुडा देतिला हमर जो थिला कोन सम ऑफ एफ एक्स बाहर करिवार थिला ओके याकू कोन करिवे ए मिड पॉइंट ऑफ द क्लास टाकू एक्स भाबरे नै जिवे इक्वल टू एफ इनटू एक्स करिवे ओके माने याकू याकू कैलकुलेशन करिवे माने 15 1 से 15 ओके अच्छा 25 7 से कते 25 सता कते 300 ठीक अछि अपन ए मिड पॉइंट गुडार बाहर करिवे तापर कोन करिवे यार बाहर करिवे सम ऑफ एफएक्स बाहर करिवार अछि याकु जदि कैलकुलेशन करजोंती आपनकर होउछि 4305 होउछि ओके याकु कैलकुलेशन करले केते होउछि ये होउछि 75 एबे आपे एबे आपन माने आराम रे तार फार्मूला पकेई परिवे आउ आंसर करि परिवे ठीक अछि ए याकु एमटी भाबरे करा जाय आपनकर मिड पॉइंट ता बाहर करा जाय जतबे गोटे क्लास इंटरवल देतै आपनकु कोन करिवार अछि आपनकु गोटे मिड पॉइंट बाहर करिवार अछि ओके तापर कैलकुलेशन करा जाय एमटी भाबरे आपनकर मीन कैलकुलेशन हुए ओके बुझि पाले सब मीन कैलकुलेशन केमती हुए एई भितरे ही आसीबो आमे जदि लास्ट इयर क्वेश्चन देखिबा लास्ट इयर देइतला 2019 रे अच्छा 2019 रे मीन रु क्वेश्चन मतला मीडियन रे देतला ओके अच्छा मीडियन हमें काली डिस्कशन करिवा मीडियन ऑफ मोड काली डिस्कशन करिवा अच्छा आज ही पई किछि जदी पचारीवार अछि कोहंतु नॉलेज ज्योग्राफी क्लास करिवा या परे ओके किछि पचारीवार अछि जीएस पई क्वेश्चन जोगुडा दिहाला निहाति प्रैक्टिस करिवे मीन रो आउ चार पाँचटा एग्जांपल प्रैक्टिस करथिबे आज ठीक अछि मीन रो जो बही रे भी बहुत बही रे सब बही रे प्राय तो एग्जांपल दे छि अपन निजे प्रैक्टिस करिवे किछि कहिवार अछि नो सर ओके बाकी समझते नो सर अच्छा ठीक अच्छे ताले ठीक अच्छे क्लास को रखिबा ज्योग्राफी क्लास में जॉइन करो 5 मिनट छाड़ के ओके हेलो हां कौन तो सर गोटी डाउट थिला ओके पचार हमें हिस्टोग्राम ता करथुलु तो जते बड़े अनइक्वल क्लास इंटरवल होबो तबे किछ अलग फार्मूला अछि की अनइक्वल क्लास इंटरवल जत बडे हबो हिस्टोग्राम रे अनइक्वल क्लास इंटरवल माने कोन कोतु माने आपन कहउचोंदि जस्ट के आपन कहउचोंदि माने आमे एग्जांपल नेतले 10 टू 20 ओके 20 रु 30 आपन कहउचोंदि एमदे 10 रु 19 एई कथाटा कहउचोंदि कि यस सर किछि भी माने से गोटे एग्जांपल थिला एक्चुअली सेटा बुझियलानी ओ एग्जांपल टा थिला बुक रे सर मु ता एग्जांपल टाइप कर दूछ डायरेक्टली ओके सर सर गोटे अछि मंथली अर्निंग्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स प्रोग्राम रे हम्म सेकंड एग्जांपल ता जो थिबो अच्छा 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 ए याकु बुझी गेला नी याकू केमी दी मंथली अर्निंग अच्छा ठीक अच्छे तसे 240 इनटू 10 बाय 20 कंपाइन कर छी सेटा नहीं एक्चुअली कौन है जी एगुडा सब अच्छा जस्ट अच्छा ठीक अच्छे मुड़ के देखी कि आपन को कहू छी ओके
अच्छा काले क्लास रे याको फर्स्ट डिस्कशन करबा तापरे नेक्स्ट को जीबा ओके आमे क्लास टा को सारीबा तापरे नेक्स्ट को जीबा ओके अच्छा ओके ठीक अच्छा।